NTAUGCNET यानी निमेजिनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट ICT के अंदर नंबर सिस्टम के बारे में, और इसमें ये हमारी वीडियो कन्वर्जन 5 वीडियो है दोस्तों। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड 4 वीडियो और बना रखे हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखना अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी। तो उनमें हमने बेसिक चीज़ें बताई है और बताया है कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, उनको किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, और डेसिमल से फिर वापस बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो वो वीडियो ज़रूर देखना। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीजर एंड फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। पहले हमने क्या था दोस्तों, सिंपल तरीके से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था। अब हम इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों तरह के बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं जैसे 1101 और 0.101, ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। लेकिन पहले क्या था दोस्तों, पहले हमने केवल और केवल इतना किया था, बिल्कुल सिंपल किया था। अब इसके अंदर ये पॉइंट आ गया दोस्तों, पॉइंट आने के बाद हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे यही आज की वीडियो में हम जानेंगे। और ये वीडियो दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे दोस्तों पहले क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन आया है। पहले ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन आया था नवंबर 2017 के अंदर, क्वेश्चन आया था ट्रू और फॉल्स के अंदर, इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था, इज द बाइनरी नंबर 1110.101 द फ्रैक्शनल पार्ट हैज़ द डेसिमल वैल्यू एज 0.625। यानी कि इन्होंने क्या कि कहा है कि फ्रैक्शनल नंबर जो हमारा है 0.101, इसकी वैल्यू 0.625 है या नहीं, ये इन्होंने पूछा हुआ था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम कब कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हम तभी कर सकते हैं जब हमें इस पूरे का पता हो कि किस तरह से ये क्वेश्चन आएगा, किस तरह से हमें इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो इसीलिए आज की ये वीडियो है दोस्तों, और इसमें से इस तरह के क्वेश्चन आगे भी एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों हमें हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें GRF चाहिए तो, GRF की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर नेट की बात नहीं करना। तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे ऐड फ्री 2012 से लेके जून 2020 तक, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे। आज तक जैसे कि रिसर्च के जो क्वेश्चन आए वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग हैं, और मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको वीडियोज़ दी जाएंगी, प्लस में नोट्स दिए जाएंगे। और दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। अगर आप 3 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 399 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, और 6 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 699 रुपये में ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर के बाद में ये इस कोर्स की फ़ीस बढ़ने वाली है, तो जल्दी से जल्दी किसी भी दोस्त को अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8053124204 पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिंपल बता देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ सारी चीज़ें, ताकि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ सके। देखिए पहले हमने सिंपल किया था क्वेश्चन कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर 1101, ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको हम किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने आपको बताया हुआ है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए 1101 इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी 2 की पावर है, 2 की पावर 0 और फिर 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से हम लिखेंगे, और उसके बाद में 2 की पावर 0, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 होती है तो वो किसके इक्वल है दोस्तों, वो 1 के इक्वल होता है। 2 की पावर 1 2 के इक्वल, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 ये 8 के इक्वल होता है। अब देखिए 2 × 6 = 2 कई दोस्तों को शायद नहीं पता है तो उनको मैं बता दूँ, इसका मतलब ये है 2 × 4 = 8, ये इसका मतलब ये है 2 की पावर 3 का। अब इसके अंदर हमने क्या किया था दोस्तों, ये जो हमारी वैल्यू आई है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1 आ गया,
जीरो को टू से करेंगे, जीरो आ गया। वन को फोर से करेंगे, फोर आ गया। वन को एट से करेंगे, एट आ गया। अब इसको हम ऐड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। स्टेप थ्री के अंदर इसको पूरे को ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाए दोस्तों, हमारा 13 हमारा डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आसान था दोस्तों, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना। ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और बहुत से दोस्तों को ये आता भी है। लेकिन अब बात आती है दोस्तों, अगर हमें यही क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया जाए। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या है, इन्होंने ये दे दिया कि कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर इन्होंने क्या दिया है, 1101। ये तो सेम टू सेम वही रखा है पहले वाला, लेकिन इसके अंदर इन्होंने क्या ऐड कर दिया, पॉइंट 101 इन्होंने ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट 101 लग गया। अब हमारे लिए ये थोड़ी ट्रिवल वाली बात होगी कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है ना, समस्या हो गई थोड़ी। लेकिन दोस्तों जब तक हम आपको समस्या नहीं होने देंगे और मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए इसके अंदर अब हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। अब देखिए इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर का मतलब क्या है, इसके अंदर मैं बता देता हूँ। इंटीजर तो दोस्तों ये होता है हमारा ये, ठीक है, और जो हमारा फ्रैक्शनल नंबर होता है ये पॉइंट से इस साइड वाला होता है, राइट साइड वाला हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल होता है। और इंटीजर होता है इस साइड वाला, यानी कि लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए इसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं, आसानी से समझाऊंगा आपको। आप वीडियो रोक लेना चाहे दोबारा प्ले कर लेना, कैसे भी देख लेना, लेकिन आप समझ लेना इसको। इन इंटीजर पार्ट ऑफ बाइनरी नंबर द वेट फॉलो द पैटर्न एज 0 की पावर 2, 0 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इंटीजर जो पार्ट होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं दोस्तों। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट यहाँ पे चलेंगे, और इसकी जो पावर है दोस्तों 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से होती जाएगी। ये देखिए राइट टू लेफ्ट जाएंगे और पावर क्या है, प्लस में इसकी बढ़ती जाएगी। राइट टू लेफ्ट इसकी पावर दोस्तों बढ़ती जाएगी, और यही चीज़ हमने ऊपर की है। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर राइट टू लेफ्ट गई और यहाँ पे पावर इसकी बढ़ती गई, ठीक है। इस पार्ट की बात कर रहे हैं हम, इस कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, इंटीजर जो पार्ट है इसकी बात हम बात कर रहे हैं, इस साइड वाले की, राइट टू लेफ्ट वाले की बात कर रहे हैं, और ये हमने ऊपर क्वेश्चन किया ही है। अब बात आती है दोस्तों फ्रैक्शनल पार्ट की, बात आती है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट हमारा ये है, इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर उल्टा है। इसके अंदर हम जो पावर है वो माइनस में लेके चलेंगे दोस्तों, माइनस में। अब देखिए -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से इसमें माइनस करेंगे, और यहाँ इसमें क्या कैसे चलेंगे दोस्तों, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट कैसे चलेंगे इसके अंदर, ये देखिए यहाँ से यहाँ चलेंगे, ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट हो गया। लेफ्ट टू राइट इसके अंदर चलेंगे, और इसकी जो पावर है 2 की पावर वो नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, -1, -2, -3, -4 और -5 ऐसे हमारी होती जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये दो चीज़ आपको ध्यान में आ गई, दो चीज़ें समझ ली आपने। अब हम इस पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे जब हम प्लस में पावर कर रहे थे, 2 की पावर 1, इसकी 2 की पावर 2 कर रहे थे, तो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान है दोस्तों। जब हम पॉजिटिव पावर करते हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल आसान है, लेकिन नेगेटिव में करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। देखिए पॉजिटिव में जब हम करते हैं 2 की पावर 1 दोस्तों 2 होता है, 2 की पावर 2 ये 4 होता है, ये हमें पता है, 2 की पावर 3 ये 8 होता है, 2 की पावर 4, 8, 8 × 16 होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान है, लेकिन बात अब ये आती है दोस्तों जब हम नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 2 की पावर 0 ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगा, ये ठीक है। अब बात करते हैं 2 की पावर -1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 1/2 और 2 की पावर 1 ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, और जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे या फिर ऐसे ही रखेंगे, 2 की पावर 1 2 इक्वल 2 होता है दोस्तों, और ये हो गया हमारा 1/2, और 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल
होता है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं 2 की पावर -2 की बात करते हैं, तो ये क्या होगा दोस्तों, 1/2 की पावर 2 ऐसे होगा। अब देखिए 1 का 1 रह गया और 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, और इसे कैसे कैसे लिखेंगे, 0.25 ऐसे लिखेंगे। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं दोस्तों 2 की पावर -3 की बात करते हैं। अब देखिए इसके अंदर 1 और अपॉन में 2 की पावर 3, और ये किसके इक्वल टू हो गया, 1/8 हो गया, और 1/8 इक्वल टू 0.125 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जब हम माइनस में पावर करते हैं तो किस तरह से हमारी पावर कन्वर्ट होती है, और प्लस में तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, दोगुना 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 करते रहो और आता जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया, और माइनस जब आता है तो 1/ में हम करते जाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी बेस पे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए नाउ कन्वर्ट बाइनरी नंबर 1101.101 को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। अब देखिए इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए इसके अंदर हमारे दो पार्ट है दोस्तों, ठीक है, दो पार्ट की हमने बात की थी। एक तो इंटीजर पार्ट है ये रहा, और एक फ्रैक्शनल पार्ट है। सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को सोल्व करेंगे और फिर फ्रैक्शनल पार्ट को सोल्व करेंगे, और फिर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है, ऐसे है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को सोल्व करते हैं, इंटीजर पार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट इसको हम सोल्व करेंगे तो कैसे होगा। और ये देखिए 1101 इसको अभी हम सोल्व करके आए हैं, ऊपर करके आए हैं, पूरा का पूरा सोल्व करके आए हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 इसका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, आपने पहले भी किया होगा ये इंटीजर पार्ट दोस्तों, बिल्कुल आसान है ये, हमने ऊपर किया था क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से मैंने आपको समझाया था, और ये बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं। मेन बात आती है दोस्तों दूसरे पार्ट की आती है, फ्रैक्शनल पार्ट की बात आती है, ठीक है। ये हमने कर लिया, ये 1101 इसका आंसर आएगा, 13 आएगा, ये हम यहीं तक करते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा जो दूसरा पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 0.101, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ये देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये देखिए ये तीनों हम डिजिट यहाँ पे लिख लेंगे, 101 यहाँ पे लिख लिया, इनकी पावर हम लिखेंगे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों, 2 की पावर -1 से शुरू हो रही है, -1, -2, -3, क्योंकि 2 की पावर 0 तो दोस्तों हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, हम इंटीजर जो पार्ट है उसके अंदर यूज़ करते हैं 2 की पावर 0, और 0 के बाद में फिर हमें -1, -2, -3, इस तरह से हम चलेंगे। अब देखिए 2 की पावर -1 ये हम करके आए हैं ऊपर, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर -1 का मतलब है 0.50। अब 2 की पावर -2 किसके इक्वल टू होता है, 0.25 के इक्वल टू होता है। फिर 2 की पावर -3 किसके बराबर है, 0.125 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई 0.50, अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारे पास, 0.50, 0, 0.125 आएगा। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे दोस्तों, इन दोनों तीनों को ऐड करने पे हमारे पास क्या आएगा, 0.625 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आया दोस्तों, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर हमारे पास ये आया है, इसका हमारे पास आंसर आया है, ठीक है। अब देखिए अब फाइनल हमारा आंसर क्या हुआ दोस्तों, फाइनल आंसर, अब ये देखिए फाइनल आंसर हमारा ये होगा, इसके अंदर इंटीजर जो पार्ट था इसको, इसका आंसर हमने क्या निकाला था, 13 निकाला था, ठीक है, और जो हमारा ये था फ्रैक्शनल पार्ट, इसका आंसर हमने क्या निकाला था, 0.265 हमने निकाला था। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है दोस्तों, आ जाएगा 13.625 हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ
कि इसके अंदर जो हमारा जो इंटीजर पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट है, इन दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है माइनस और प्लस का है। और जब हम माइनस में पावर करते जाएंगे दोस्तों, तो ये 1/2 में 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इस तरह से होता जाएगा। और जब हम 1/2 में करेंगे तो इनकी डिजिट है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, इनकी जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगी, 0.50, 0.25 ये आ जाए। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई आपको। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर आपको अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं, उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवा रहे हैं। उसमें ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स दे रहे हैं, वीडियोस दे रहे हैं और 2012 से लेकर 2020 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे, न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है।